सावन के पहले सोमवार को उन्नाव के हजारी टोला स्थित सिद्धनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने यहां हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने आराध्य भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की। पिछले दो सालों से कोरोना संकट होने के कारण कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं पर मायूसी थी, लेकिन इस बार सभी प्रकार की पाबंदी हटने के बाद श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना भी हो गए हैं। ऐसे में उत्साह भी अधिक देखने को मिल रहा है। सिद्धनाथ बाबा के सावन शुरू हो गया पुजारी, श्रावण मास का महीना चल रहा है इसमें, और ये बाबा सिद्धेश्वर महाराज जी का 300 वर्ष पुराना है मंदिर, स्वयंभू है, प्रकट हुई है मूर्ति, जिसके पूजन पाठ से मांगलिक कार्य मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। और श्रावण मास में जो भक्त बाबा को जल अर्पण करते हैं, चंदन चावल फूल बेलपत्र अर्पण करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं बाबा सिद्धेश्वर महाराज, जिनको सिद्धनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध किया गया है, सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वहीं जाजमऊ स्थित बाबा सिद्धनाथ घाट में मध्य रात्रि में श्रद्धालुओं ने भस्म गंगा स्नान किया। नागा साधु संतों की पद्धति में रात्रि 3 बजे भस्म गंगा स्नान करने पहुंचे पंडित महर्षि मिश्र ने बताया कि इस स्नान से शिव भक्त सदैव निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। सिद्धनाथ घाट में पूरी रात शिव भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ कई भक्तों और संतों ने रात्रि में गंगा स्नान किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की।